His Excellency Prime Minister Shinzo Abe-san, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल जी, डेप्यूटी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी निशिमुरा-san, माननीय गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री, मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगण और उपस्थित महानुभाव, मैं हिज एक्सीलेंसी आबे-san का और उनके सभी साथियों का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के कार्य शुरू होने के इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी की उपस्थिति ने हमें गौरवमय किया है। हम धन्य हैं कि आज हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भूमि साबरमती में आने का अवसर मिला है। रेल यात्रा के दौरान हुई एक घटना में ही गांधी जी का समानता, न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया था। साउथ अफ्रीका में महात्मा जी को भेदभाव के कारण एक ट्रेन से निकाला गया था। वह ट्रेन लोगों के बीच बंटवारे का प्रतीक थी, किंतु आज एक दूसरी ट्रेन दो मित्र देशों के बीच जोड़ रही है मित्रता। यह बुलेट ट्रेन जापान और भारत के लोगों के बीच भाईचारे का प्रतीक बन रही है। आज का दिन मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। जापानीज बुलेट ट्रेन शिनकानसेन 1964 में पहले शुरू हुई थी। मेरा भी जन्म उसी वर्ष हुआ। यह हम दोनों के लिए एक नई पारी के समान है। मेरे लिए रेल मंत्री के रूप में और शिनकानसेन के भारत में ऐतिहासिक नगरी कर्णावती में शुरुआत होने का। भारत को इस प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी और बहुत सस्ते दर पर निवेश उपलब्ध कराने के लिए हम जापान का धन्यवाद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के फलस्वरूप एक्सीलेंसी आपके द्वारा 50 वर्षों के लिए लगभग शून्य ब्याज पर उपलब्ध कराए गए 88,000 करोड़ रुपए की मदद से यह सुविधा भारत के आम नागरिकों को सस्ते दरों पर उपलब्ध होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जापान की टेक्नोलॉजी से भारत में बुलेट ट्रेन बनेंगे, जिससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बहुत बढ़ावा मिलेगा और इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ कीमतें कम होने से यह बुलेट ट्रेन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व में भी भारत के द्वारा बनाई गई ट्रेन सस्ते दरों पर उपलब्ध की जाएंगी। यह प्रोजेक्ट भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। जापान के साथ यह पार्टनरशिप पिछली पार्टनरशिप्स की तरह एक बार फिर भारत के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। आज भारत में ऑटो इंडस्ट्री आर्थिक विकास और रोजगार का बड़ा साधन है। कुछ निराशावादी लोगों ने 1968 में राजधानी ट्रेन की शुरुआत से के समय भी आलोचना की थी, लेकिन आज राजधानी एक ऐसी ट्रेन है जिसमें सभी यात्रा करना चाहते हैं। एक समय था कि मोबाइल को एक विशिष्ट एलीट वर्ग के लिए माना जाता था और एक फोन कॉल 16 रुपए प्रति मिनट था। आज भारत में मोबाइल कॉल की कीमत दुनिया में सबसे कम है, लगभग मुफ्त के बराबर, और लगभग हर एक के घर में मोबाइल फोन भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करके शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने में विश्व का नेतृत्व कर रहा है।
बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स समृद्धि के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के न्यू इंडिया के विजन को भी पूरा करेगी। एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री आबे सान और प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करता हूं और उनके कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें बधाई देता हूं। आप सब नो बहु बहु आभार, धन्यवाद। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढे।